हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ये यूनिक शेप और यूनिक डिज़ाइन में दिखाई देने वाला डोरमैट, जो कि दिखने में भी बहुत ही सुंदर है और इसे बनाना ही उतना ही इजी और सिंपल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 9 नंबर की स्टिक ली है और 1 इंच की पट्टी कपड़े की निकाल ली है, जो कि पुराने साड़ी की ही है। और अब हम कुछ इस तरह से सिंपल से इसे नॉट करके फिक्स कर लेंगे। और जो हम स्टार्टिंग नॉट लगाते हैं, वीडियो में देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से हमें स्टार्टिंग नॉट लगाने हैं, जो कि 50 टाइम लगाने हैं हमें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो कुछ इस तरह से मैंने नॉट लगा लिए हैं और अब हम दूसरी स्टिक की मदद से बेसिक नॉट लगाएंगे। मैंने यहाँ पर पीछे से भी लिया है, जो कि एक ऐड करना है। अब देखिए, एक नॉट का हम 2 नॉट यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड किया है और ये प्रोसेस सिर्फ हमें स्टार्टिंग में ही करनी है और बाकी हम जैसे बुनते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर बुनते चलो। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्टिंग में बढ़ाया था तो एंडिंग में हम घटाएंगे। 2 नॉट लेके मैंने यहाँ पर एक नॉट यहाँ पर बना लिया है। देखिए, 2 नॉट का एक नॉट, एक तरफ से हमें बढ़ाते हुए जाना है और एक तरफ से हमें घटाते हुए जाना है। तो कुछ इस तरह से ही हमें इसे कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेती हूँ और ये जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जो कि इधर की साइड मैंने घटाया और एक साइड इधर से बढ़ाया। तो देखिए, कुछ इस तरह से हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से आगे हम जिस तरफ बढ़ाया था उस तरफ घटाएंगे और जिस तरफ घटाया था उस तरफ बढ़ाएंगे। तो हमारा शेप कुछ अपोजिट साइड में दिखाई देगा। तो मैंने जिस तरफ बढ़ाया था अब उस तरफ से मैं इसे घटा रही हूँ, यानी कि 2 नॉट लेके इसे एक बना देते हैं। तो और आगे जैसे भी हम बुनते हैं बेसिक नॉट, वैसे बुन लेती हूँ। तो यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम इसे घुमाते हुए, अब जिधर घटाया था उधर से हम बढ़ाएंगे, यानी कि पीछे से एक नॉट लेंगे और आगे से। तो यहाँ पर 2 नॉट का एक नॉट, एक नॉट का 2 नॉट बन के रेडी होता है और आगे कुछ हम इसी तरह बुनते हुए चले जाएंगे। तो कुछ शेप ऐसा हो जाएगा इसका, देखिए। तो कुछ इस तरह का शेप हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 नॉट का एक नॉट बना लेना है, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो। कुछ इस तरह से हम इसे फिर से वापस उसमें डाल के फिर से इसे एक कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से एंडिंग हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो मैं इसे कर लेती हूँ कंप्लीट। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया और कुछ इस तरह का शेप हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और इसे मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ। देखिए, कुछ इस तरह का हमें रेडी हो जाएगा। तो हमें इवन इसको बुनना है, जितनी बार बढ़ाए उतनी बार घटाने का भी है। नेक्स्ट मैंने फिर से एक डिफरेंट कलर का धागा लेके अब हम इसे कुछ इस तरह से नॉट लगा लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और सिंपली जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं जो स्टार्टिंग के नॉट है वो नहीं लगा, सीधा बुनाई शुरू करूँगी। तो मैंने पीछे से एक नॉट बढ़ाया, एक नॉट का 2 नॉट यहाँ पर हो चुके हैं। तो फिर से हम घुमाते हुए पीछे से बढ़ाएंगे और आगे से भी, और यहाँ पर 2 नॉट हो गए और आगे का नॉट जैसे कि वैसे बुन लेंगे। तो हमें मिले 3 नॉट। फिर से मैं आगे की तरफ से एक, पीछे की तरफ से एक और ऐसे करके 2 नॉट बढ़ाऊंगी और ये दोनों नॉट बचे हुए उस तरह बुन लूँगी। तो कुछ इस तरह ही हमें उसे बढ़ाते हुए चले जाना है और बुनते हुए चले जाना है। तो देखिए, पीछे से फिर से बढ़ाते हुए और आगे के नॉट जैसे कि वैसे हम सिंपली बेसिक नॉट जैसे लगाते हैं उस तरह से ही लगाएंगे। तो इसका शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, मैंने यहाँ पर बुन लिया है। अब हम इसे घटाते हुए चले जाएंगे, यानी कि अपोजिट साइड। तो 2 नॉट का यहाँ पर एक बनाना है,
जैसे कि पहले हमने बढ़ाया था पीछे से, अब हम यहाँ पर दो का एक करेंगे यानी कि घटा लेंगे। यहाँ तक मैं घूम लेती हूँ, फिर से इसे घुमाती हूँ, फिर से मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में दो नॉट का एक नॉट बनाते चली जाऊँगी। तो कुछ इस तरह से ही हमें फिर से इसे बुनना है जब तक कि हमारे पास एक सिंगल नॉट ना बचे। तो हमारा शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे तीन नॉट बचे हुए और कुछ इस तरह से हम इसकी एंडिंग करते हुए, तो स्टार्टिंग में बढ़ाना है और बीच में आने के बाद एक एक नॉट घटाते हुए चले जाना है। तो कुछ इस तरह का सिंपल सा है। तो ये देखिए दो नॉट का एक नॉट अब इसे बनाते हैं और इसकी एंडिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मैंने ये बुन लिया है, अब हम कुछ इसे जोड़ लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसके ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और एक जो नॉर्मल सिलाई लगाते हैं उसी धागे से हम इसे अब सिलाई लगा लेंगे। तो सब साइड हमें इसे सिलाई करनी है और अच्छे से पैक करना है। मैं इसे पैक कर लेती और फिर हमारा डोर मैट बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा डोर मैट बिल्कुल रेडी है।